हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। एडवोकेट गुरप्यार सिंह फ्रॉम पंजाब। यार मैंने इतनी बार समझाया स्टूडेंट्स को भी, भाई घबराओ मत, घबराओ मत। क्यों घबराते हो भाई साहब? स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा, अभी इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है, चाहे वो मानव भारती यूनिवर्सिटी, चाहे वो आईईसी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी, चाहे वो एलपीयू है, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया, कहते हैं स्टूडेंट्स भी सर हम गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं जी, या लगने वाले हैं, हमारी एक बार थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन हो चुकी है, जब हम गवर्नमेंट सर्विस के ऊपर हैं तो यूनिवर्सिटी ने एक बार वेरिफिकेशन कर ली है, और बाद में अगर 5 साल के बाद 6 साल के बाद कोई भी डिपार्टमेंट फिर वेरिफिकेशन मांग रहा है तो यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन दे नहीं रही, सो व्हाट इज दिस? अरे भाई साहब, किसी की स्टूडेंट्स को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो एक मेरी बात सुनिए, पहले आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। देन इट्स कॉल्ड द यूनिवर्सिटी ए, दिस इज द स्टूडेंट्स, ओके। तो थर्ड पार्टी एक मैं हूँ, मैं एक संस्था हूँ जिसने वेरिफिकेशन मांगी है। मैंने यूनिवर्सिटी को, ये स्टूडेंट्स ने मेरे पास जॉब ली और मैंने इसको यूनिवर्सिटी को वेरिफिकेशन भेजी इस बच्चे के डॉक्यूमेंट्स की। तो इसने क्या किया, यूनिवर्सिटी ने मुझे लिखकर भेज दिया भी हाँ दिस इज़ अ जेन्युइन स्टूडेंट एंड इसकी जो डिग्री है हमारी यूनिवर्सिटी से की हुई है और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये बंदा बड़े शान शौक के साथ जॉब कर रहा है अपनी, इसका टाइम निकल रहा है, 5 साल निकल गए, 10 साल निकल गए। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर यूनिवर्सिटी फंस गई कोर्ट केस में, जाओ ना भी फंसी, कुछ भी हो सकता है। तो फिर मैंने, डिपार्टमेंट ने फिर मांगा, अभी भाई साहब इस स्टूडेंट्स का बी का हमें फिर वेरिफिकेशन करवाना है, हाँ जी बताइए क्या है। तो ये यूनिवर्सिटी बोली भाई ये तो रिकॉर्ड नहीं है। अब क्या करे ये बंदा, ये बंदा मेरे पास आकर कहता सर हम पहले वेरिफिकेशन कराई थी, हमने आरटीआई पाकर निकाला है, इस यूनिवर्सिटी ने पहले भी हमें वेरिफिकेशन दी, अगर मैं फेक होता या रिकॉर्ड ना होता तो ये पहले कैसे वेरिफिकेशन इसने दे दी। तो यही फैक्ट है, कोई भी लायर कोई भी एडवोकेट आपको ये कह रहा है भी इट्स टोटली फेक डॉक्यूमेंट्स, तो नो। अगर एक बार किसी यूनिवर्सिटी ने किसी स्टूडेंट्स की वेरिफिकेशन दे दी तो दिस इज कॉल्ड द एविडेंस अकॉर्डिंग टू द एविडेंस एक्ट, राइट। ऐसे यूनिवर्सिटियों के बाप का कोई राज नहीं है भाई, जब भी आप कहो तो इट्स डॉक्यूमेंट सही, चाहे वो प्राइवेट चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, और उसके बाद फिर कहें भी इट्स अ डॉक्यूमेंट टोटली रॉन्ग, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी किसी स्टूडेंट्स की अथॉरिटी को एक बार वेरिफिकेशन करवा देती और बाद में मुकर ये, तो स्टूडेंट्स लायबल है इसके खिलाफ जाने के लिए, इसका कैरियर ख़त्म हो रहा है, इसका टाइम ख़राब हुआ, इसका पैसा ख़राब हुआ, और जो मेंटली हरासमेंट अलग है, वो सारे जो डैमेज है वो यूनिवर्सिटी से क्लेम होंगे और गवर्नमेंट भी बाउंड होगी मानने योग्य कोर्ट की वजह से, इसको ऑर्डर होगा भी हाँ भाई अगर तुम ये कर रहे हो ना, बेवकूफ़ बना रहे हो स्टूडेंट को, सो दूसरे का लाइबल टू ग्रांट कंपोजिशन टू द स्टूडेंट। सो मेरा समझाने का मतलब ये था भी, स्टूडेंट्स पूछते हैं भी सर हमारी पहले वेरिफिकेशन हो गई थी, ऐसे कैसे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है मुकर रही है तो उसके खिलाफ मोर्चा उठाओ, एक बार वेरिफिकेशन हो गई है तो आपके पास वो एविडेंस है, डिपार्टमेंट से उसका वेरिफिकेशन का प्रचौल निकालो और निकाल कर यूनिवर्सिटी के खिलाफ FIR रजिस्टर करवाओ और डैमेज क्लेम करो, रिटेक्शन में जा सकते हो आप हाई कोर्ट में। तो स्टूडेंट्स यार घबराओ मत, ठीक है, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, हो भी रहा है, हो भी गया है, सो अपने अधिकार को पहचानो और जो भी ऐसे कार्यक्रम करते हैं ना यूनिवर्सिटियाँ, इसको रोको। समझ चुके होगे इस वीडियो के बारे में, है ना, तो शेयर करना ज़रूर। थैंक यू सो मच, रिफ्रेश इन्फॉर्मेशन।